अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आपकी दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। वेलकम बैक टू माई चैनल दाइम व्लॉग। तो सबसे पहले आपने मेरे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना है कि आने वाली न्यू वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँच सके, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच। मैं करना चाहती हूँ अपनी यूट्यूब फैमिली का, जो लास्ट वाली वीडियो में मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया और इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए और मुझे बहुत हौसला मिला कि मेरी यूट्यूब फैमिली मेरे साथ है और इतने अच्छे अच्छे कमेंट किए और टेंशन फ्री हो चुकी है, खुदा का शुक्र है। तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरी यूट्यूब फैमिली का और इतने अच्छे मेरे व्यूवर्स हैं कि मुझे इतना प्यार करते हैं। तो अभी मैं करने लगी थी कुछ काम, आपको पता है घर के काम तो ख़त्म ही नहीं होते। तो अभी हम लोगों ने एक नई चीज़ ली है, आपके लिए सरप्राइज़ है, हमारे पास वो चीज़ है भी। तो हम लोगों ने फिर न्यू ली है, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, उसको ओपन करती हूँ और आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो आपने ये हमारे साथ बने रहे। ये हमने ली थी न्यू कैनवर्ड की जूसर मशीन, तो हम लोगों के पास वैसे तो है पर ये न्यू ली थी। अभी आपको पता है गर्मी आ गई है तो जूस वगैरह निकालने के लिए तो वो हमारी ख़राब हो गई थी। तो ये देखिए, कल अभी निकाला है एप्पल का जूस, ये ग्रीन एप्पल का हम लोग जूस निकालते हैं, तो कल फर्स्ट टाइम ही अभी निकाला है, चेक की थी तो अच्छी है। तो अभी मैं इसको सेट करके रखने लगी थी, मैंने कहा मैं अपने व्यूवर्स के साथ भी शेयर करूँ। ये है इसका जग और ये कांच का है, शीशे का है और काफ़ी भारी भी हैं। और ये छोटा वाला, ये जो मसाले वगैरह ग्राइंड करते हैं ये वो है। और ये मशीन है, अभी बीच में से निकाली नहीं थी, अभी निकाल के रखने लगी हूँ, तो एक हाथ से तो उठाई नहीं जाएगी, अभी उठा के रखती हूँ। ये है इसके थ्री पीस और ये है जग, ये छोटा वाला है और ये बड़ा वाला, इसमें जो गाजर का और सेब का जूस वगैरह निकालते हैं ये वो है। और कैनवर्ड वालों की आपको पता है, अगर किसी के पास होगी तो आप बताना कि इसकी गारंटी मतलब कैसी है इसका टाइम। तो वैसे तो हमें 2 साल की गारंटी मिली है, तो अभी देखते हैं जैसे जैसे चेक करेंगे जूस वगैरह बनाएंगे तो फिर देखेंगे। वैसे तो कल बनाया था और इसकी आवाज़ भी इतनी नहीं है और इसके बटन बहुत खूबसूरत से लगे हुए, ये दाइम ने दबा कर ही रख दिया था। और देखते हैं इसमें क्या है, ये है ब्रश, मुझे लगता है ये वॉश करने वाला इसका है। और बाकी हो गया है खाली, अभी देखते हैं अगर ये किसी काम का होगा तो रख लेंगे वरना इसको बाहर उठाकर फेंक देंगे, वैसे तो काम वगैरह का तो नहीं है। तो अभी व्यूअर्स इसमें से मैंने सामान निकाला है ये मशीन रखने के लिए, तो अभी सामान निकाल कर साथ ही इसको साफ वगैरह कर लिया है, इसमें रखूंगी अब मशीन सेट करके। और बॉक्स में से मैंने निकाल दी है तो अभी साथ साथ कर रही हूँ सफाई। और आपको पता है ईद भी आने वाली है, हम लोगों के रोज़े भी शुरू हो गए हैं, तो ये देखे डस्ट। और हमारे सामने वाले ना घर के बिल्कुल सामने वाले घर बन रहे हैं तो उसकी वजह से डस्ट बहुत ज़्यादा आती है, ये ऊपर वाली जाली से वो जो लगी हुई है तो गेट से। और ये वाला पर्दा भी दाइम ने ना डंडा इसका तोड़ कर उतार दिया है तो मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है अभी। तो अभी साथ साथ सफाई भी हो जाएगी और आपके साथ शेयरिंग भी हो जाएगी। तो अभी लगाते हैं इसमें मशीन तो फिर आपको दिखाते हैं। ये देखें व्यूअर्स, मैंने सेट कर ली है ये मशीन, ये जग, ये और ये तो आपको पता है ये हाथ से निकालने वाली ऑरेंज का जूस है, ये वो मशीन है। और ये मशीन हमारे पास ऑलरेडी थी, ये जग है और ये मशीन है। तो पहले इसमें जूस वगैरह निकालते थे, अब ये मसाला वगैरह ग्राइंडर करने के लिए रख ली है अभी वो जूस निकालने के लिए। और ये भी मैंने क्लीन कर लिया है, साफ़ कर लिया है, बस आपको पता लेडीज़ के तो काम ही ये होते हैं, बस लगे रहो लगे रहो। और ये नोरस, और ये मैं अभी फ्रिज में नहीं रखती, अभी बाहर ही रखती हूँ।
देखते हैं अंदर क्या हो रहा है। दाइन चुपके चुपके क्या कर रहा है, इसको नहीं पता कि वीडियो बन रही है। अभी देखना जरा दाइन, ये क्या कर रहे हो? पेट्रोलियम वेस्ट कर रहे हो। ये देखें व्यूअर्स, इसके काम ये स्टिक है और इसके ऊपर पेट्रोलियम, ये कहाँ से निकाली है? बस इसको अकेले को छोड़ देना तो यही काम इसके होते हैं। बहुत शरारती है, अपने भी बताना है किस किस के बच्चे इतना शरारती हैं। ये ड्रो में से निकाल के, तो अभी मैं बाहर काम कर रही थी और इसके काम ये अंदर हो रहे थे। अभी इसको साफ करो, क्लीन करो जल्दी। सारी मेरी भी हैंडी पे लग गई है पेट्रोलियम, क्लीन करो। तो गाइस ये देखे टाइम क्या बोल रहा है, हेलो गाइस आप बताना कि मैं अच्छा लग रहा हूँ गंदा मंदा। ये गंदा मंदा वाकई में बना हुआ, अभी इसने फ्रेश होना है। तो अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी 11:30 का टाइम हो रहा है और मैं बाहर काम कर रही थी और इसके काम ये अंदर चल रहे हैं। जल्दी से क्लीन कर लो टिश्यू के साथ। तो एक मिनट गाइस मैं ज़रा इसको साफ कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। हो गया क्लीन, तो ये मैंने इसको क्लीन कर दिया है, अब इसको फ्रेश करूँगी बस। तो अभी इसको फ्रेश करके फिर तैयार व्यार करके इसको ट्यूशन भेजूँगी 4 बजे, तो ये ट्यूशन जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो ओके बाय, अल्लाह हाफिज़। आप अपनी दुआओं में याद रखना।